नमस्कार दोस्तों, तो आपके अपने YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह एक बार फिर लेकर आया हूं मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है वो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा, ठीक है। और ये सवाल जो आधारित है वो है हमारा ओपन बॉल एंड क्लोज्ड बॉल पर, या उसी को स्पेयर बोल देते हैं। इस आधार पर उसके एग्जाम्पल इसलिए कराता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि इसके सवाल भी लॉन्ग आंसर के बाई पार्ट में रख देते हैं और बहुत ही ये सिंपल होते हैं। यदि वो छूट जाते हैं, वो सिंपल चीज कोई छूट जाए तो बहुत ही दुख होता है ना, तो इसलिए होता है ना, ठीक है। तो अब करना क्या है, हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। कैसे दिखाना है इसमें क्या होता है, देखिए आप इसमें कोई सेट दे देगा। अभी सेट हमें इस रूप में दे दिया उसने, एक्स बराबर बाउंडेड कर दिया इस रूप में, ठीक। हो सकता है सेट वो किसी रूप में भी डिफाइन कर सकता है, हो सकता है 1 2 3 4 इस टाइप से डिफाइन कर दे। तो इसमें से पूछेगा कि ये बॉल जो है किन वैल्यू तक ओपन है या क्लोज्ड है, वो हमें पहचानना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर समझिएगा, जैसे इसमें हमें कह दे ओपन बॉल कैसे, मान लिए इतने बार ये एडजस्ट कर रही, तो हम इसके एलिमेंट ओनली 1 2 ही लेंगे, ठीक। या इसमें इसमें यदि नहीं कर रही ओपन बॉल तो हम इसको ओपन लगा देंगे इंटरवल में, और यदि ले रही है तो इस टाइप से इसका सॉल्यूशन कर, बहुत ही सिंपल रहती है। आप इसे देखिएगा, यहाँ पर देखिए पूछ रही है मैट्रिक स्पेस उसने डिफाइंड कर दिया डी उसकी डिस्टेंस के रूप में, मॉड लगा दिया, मॉड इसलिए लगा दिया क्योंकि डिस्टेंस जो होती है वो पॉजिटिव ही होती है, इसलिए ये लगा दिया। फिर क्या कर दिया उसने, एक सेट डिफाइन कर दिया है, वहां पर भी कर दिया, लेकिन यहाँ पर फॉर द मैट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी हमें ये निकालना, अब यहाँ पे पहचानना है यहाँ पे क्या लगा है ओपन। एक सिंबल ये भी होता है यहाँ पर, ये लगा है मतलब पी कॉमा आर, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये ओपन है। यदि वो ऐसा लगा दे मतलब बाउंडेड वाला ये जो होता है पी कॉमा आर, तो ये इसका मतलब क्या है, वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड क्या है, क्लोज्ड। वैसे भी जनरली देखें जब ये लगा है हमारा तो इसका मतलब क्या है कि इसकी आर त्रिज्या भी ले ली गई होगी, मतलब क्या है इसकी डिस्टेंस देखें पी कॉमा एक्स, वो क्या जब यहाँ पर ये वाला चिन्ह लगा तो इसका मतलब क्या है, ये इस रूप में डिफाइन हुआ होगा। इस रूप का फॉर्म किसका होता है, क्लोज्ड स्फीयर का होता है, तो इसलिए इस टाइप से इसका हम सवाल देखेंगे। एक सिंपल सबसे पहले तो हम डेफिनेशन लिख लेंगे, जो हमारी ओपन स्फीयर है उस होती है, ओपन स्फीयर क्या होता है हमारा, उसकी डेफिनेशन हम लिख लेंगे। तो डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होती है, एस पी कॉमा आर क्या होती है, एक्स पी कॉमा आर, यहाँ पर जो एक्स बिलोंग्स करता है, एक्स बिलोंग्स करेगा वो कैपिटल एक्स से करेगा, सच डेट, और सच डेट डिस्टेंस किस रूप में होती है हमारी, एक्स कॉमा वाई लेस आर, ये किसके लिए हमारी ओपन के लिए, यदि क्लोज्ड के लिए करें तो इसमें इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे हम, इसको देखेंगे तो पहला सवाल इसे हम सॉल्व करेंगे, तो एस 1 कॉमा 2 कॉमा 1, ठीक ये है, इसे हम सॉल्व करना है। तो यहाँ पर हम कंपेयरिंग करा रहे, तो आर का मान क्या है 1, यहाँ पर देखिए आर उसी के सामने देखें तो आर, और पी का मान क्या है सेंटर इसका 1/2, ठीक है। आगे समझ में, अब करना क्या है, जो हमारी डेफिनेशन है उसी रूप में लिख देंगे, और जिस रूप में ये हमारा मैट्रिक्स डिफाइंड है उसी रूप में कर देंगे, लेस आर ये कर दिया, जिस रूप में डिफाइंड था उसी का हमने मान रख दिया। फिर करना क्या है, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स कर देंगे सच डेट, फिर क्या करेंगे मॉड, मॉड किस रूप में, इसको सबसे अच्छा तरीका जो एक्स हमें निकालना है एक्स लिख लेंगे, ठीक है। इसमें इस टाइप से हम प्रॉपर्टी अगर ये यदि इक्वल लगा है तो दोनों में इक्वल लगा देंगे, इतना समझ में आ जाएगा। फिर करना क्या है, जो वैल्यू होगी हमारी कौन है, पहले पी का मान 1/2, उसको हम त्रिज्या जो आई है हमारी, त्रिज्या कौन सी आई 1, उनमें से घटा देंगे, इसमें हम त्रिज्या को जोड़ देंगे। इतना आगे समझ में क्या किया है, एक्स लिख दिया है, और ये जो प्रॉपर यहाँ पे ये क्वालिटी लगी वो लगा देना है इसके,
और एक बार त्रिज्या को इसमें घटा देना, एक बार रेडियस को जोड़ देना। वो कैसे यहाँ मॉड प्लस माइनस में टूटता है, इसलिए ये जुड़ जाता है, एक बार घट जाता है। ठीक, अब करना क्या है, अब बस इतना कर लेंगे तो सवाल हमारा सॉल्व हो गया। सच देयर, ये कितना बन जाएगा, माइनस का 1/2 लेस एक्स लेस 3/2। इसका मतलब ये है कि हमारी त्रिज्या जो बिंदु है वो 3/2 से छोटा है किंतु -1/2 से बड़ा है, यही तो मतलब है जी इसका। तो हमारा इंटरवल किस में होगा, आप देख रहे हैं इसका मान कितने भाई, हमें डिफाइन किया 0 और 1, तो इसके लिए तो मतलब इससे छोटा, तो 1 भी तो होगा इससे छोटा के लिए। ठीक, मतलब 3/2 नहीं होगा, लेकिन उसकी सभी छोटी वो वैल्यू को वो एडजस्ट करेगा। 3/2 से छोटा क्या आएगा, और छोटा है 1 ही तो आएगा, 1 और पॉइंट में भी आएगा, लेकिन 1 भी हमें डिफाइंड किस रूप में दिया है, इस रूप में। और -1/2 से बड़ा किस जाएगा, 0 भी जाएगा इस साइड, तो ये 0, मतलब क्या आएगा हमारा क्लोज्ड, पूरा का पूरा सेट ये आ जाएगा। मतलब पूरा का पूरा सेट जो है हमारा वो बॉल को दिखाएगा कि वो ओपन है, दैट इज कह सकते हैं। Therefore, it is open ही होगी, ठीक है, ओपन इस टाइप से, ठीक है, ओपन बॉल या स्फीयर इस टाइप से। एक और देख लेंगे फिर बाकी आप लगाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा ये, इसको चलो देख लेते हैं। ठीक, यहाँ यहीं पे देखते हैं, इसमें s बराबर फिर क्या करना है हमारे पास, क्या है क्लोज इंटीग्रल वो सॉरी 1 इस रूप में डिफाइंड किया है, तो वाई डेफिनेशन लगाएंगे कैपिटल x सच डेट। अब जिस रूप में हमारी डिस्टेंस है वो सब लिख देंगे, तो हम लिख दे रहे एक बार फिर से x कॉमा y लेस r। अब आप देखिए, अब समझिए यहाँ पर लेस r किया, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं हमारा क्लोज्ड है, तो क्या आएगा इक्वल आ जाएगा। ये इस ब्रैकेट को हमें पहचानना है, तो क्या करेंगे, अब बस जो जिस रूप में डिफाइंड था हमारा वो लिख देंगे। पहला मान क्या है, आर का मान क्या है, तो इसमें हम मॉड एक्स माइनस वाई लेस इक्वल 1। अब बस जिस रूप में हमारी डिस्टेंस डिफाइंड थी उसको ले लेंगे, एक बार क्या करेंगे 1/2 ले लेंगे, एक बार इसको हम घटा देंगे रेडियस से, एक्स ले लेंगे पॉइंट, और एक बार इसमें हम रेडियस ऐड कर देंगे, इतना आ जाएगा। बस इसे हम सॉल्व कर लेंगे, इसे हम सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करेंगे तो कैसे क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स सच दैट -1/2 लेस इधर पे इक्वल भी आएगा, लेस इक्वल एक्स लेस इक्वल 3/2 इस टाइप से। अब आप देखिए इक्वल लगा है और क्या लेना, 3/2, तो हमारा तो ये और छोटा है इससे 3/2 से, तो ये पूरा का पूरा आ जाएगा इस रूप में। ऐसे हम सवाल लगाने, एक और सिंपल सा ले लेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप जरूर लगाइएगा, कमेंट बताइए आपको ये मेथड समझ में आ गया। एक और यहाँ पे देख लेते हैं, एस को हम ये क्या लगा है हमारा ओपन है, तो ओपन के लिए लगा लेंगे वह उसी रूप में 0,1/8 जिस रूप में डिफाइंड है वैसे ही हम डिफाइन कर देंगे कैपिटल एक्स सच डेट। यहाँ पे देखेंगे इसको वैसे ही हम डिफाइंड करेंगे, तो हम सीधे लिख दे रहे हैं इसमें क्या करते हैं, जो हमारा 0 है, 0 में से 1/2 जो है रेडियस, चलो लिख रही है रेडियस इसकी कितनी है, चलो एक बार हम इसको क्या होगी ओपन है, तो यही आएगी रेडियस इसकी कितनी है 1/8, उसी की तुलना करा के लिखा है। फिर जिस रूप में हमारा ये डिफाइंड है वो करेंगे, अब करना क्या है, 1/8 0 में हम 1/8 को जोड़ देंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, इसे इसमें जोड़ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं पी में एक्स इधर पर ले लिया, और हम क्या करेंगे इसमें 0 में 1/8 जोड़ देंगे, इतना समझ में आ गया। जो भाई यहाँ पर पी का मान 1/2 था, देख रहे हैं यहाँ पर 0 है, तो 0 में एक बार -1/8 घटा दिया और +1/8 घटा दिया, मतलब जोड़ दिया जो आर की वैल्यू है। बस इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा सवाल हल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -1/8 एक्स लेस 1/8। अब यहाँ पर देखिए एक्स की वैल्यू जो है -1/8 से बड़ी है, तो मतलब हमारा जो 0 भी आ जाएगा, तो ये ब्रैकेट आ जाएगा, लेकिन इसकी एक से छोटी वैल्यू है एक्स की, तो क्या होगा, जो हमारा दिया था वो नहीं आएगा, क्या 0 1, समझ में आ गया।
एक बार फिर से देख लेंगे, हम अपना वीडियो क्लोज करेंगे। क्या करना है यहाँ पर देखिए, माइनस वन बाई एट है जो एक्स की वैल्यू क्या बता रही है कि इससे बड़ी है, इससे बड़ी है मतलब कि इसमें इससे बड़ी है तो जीरो भी तो आएगा इससे बड़ा, तो क्या बड़े तो यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पर ये यह हमारा क्लोज आ गया और जीरो ले लिया, क्योंकि हमारा जीरो रूप में दिया है ये जीरो से वन तक। अब वन बाई एट से मतलब एक से जो वन बाई एट छोटा होता है तो मतलब छोटे तक, जब वन बाई एट से छोटा तो एक से तो और छोटा हो जाएगा, तो एक से छोटा हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि हमें एक लग नहीं लेना, इसलिए ये ओपन लगा है। ठीक है, तो इसके लिए हमारा क्या आ गया, जीरो वन इस टाइप से। यदि वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें वीडियो, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।